स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। टनल में फंसे मजदूर, 41 दिन का वक्त और अब इंतजार हो रहा है उनके बाहर आने का। उत्तरकाशी में लास्ट स्टेज पर पहुंचा है रेस्क्यू ऑपरेशन। इस वक्त बड़ी खबर, टनल में ड्रिलिंग पूरी हुई है। एनडीआरएफ की टीम टनल के अंदर पहुंची है, सुरंग के बाहर एम्बुलेंस तैनात है। 41 बेड का एक अस्पताल यहां बनाकर तैयार किया गया है। एयरलिफ्ट करने की भी तैयारी है, किसी भी वक्त बाहर आ सकते हैं मजदूर श्रमिक। ये खबर आ रही है उत्तरकाशी में, अपने लास्ट स्टेज पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें कि 41 दिन बीत गए टनल के अंदर भूस्खलन की बाद, मजदूर यहां फंस गए, श्रमिक यहां फंस गए और उसके बाद रेस्क्यू चलाना शुरू हुआ। एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम यहां पहुंची, कई विशेषज्ञों की टीम यहां पहुंची है, अगर मशीनें लगाई गई हैं। सुबह की जो तस्वीरें निकल कर सामने आई, उन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि काफ़ी भीड़ भाड़ और यहाँ पर जिलाधिकारी का पहुँचना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रात उत्तरकाशी पहुँचे और उसके बाद इंतजार इस बात का हो रहा है कि आज कभी भी किसी भी वक्त श्रमिकों का रेस्क्यू किया जा सकता है, क्योंकि जो ऑपरेशन है रेस्क्यू ऑपरेशन वो अपने अंतिम चरण पर पहुँचता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम तरह की व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। 41 श्रमिक जब टनल से बाहर आएंगे तो उसके बाद उनका मेडिकल होगा, उनकी जांच पड़ताल होगी, उनके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर बड़ा असर ना हो इसके लिए एक अस्पताल यहां पर तैयार किया गया है। एयरलिफ्ट की तैयारी भी की गई है, किसी की हालत अगर खराब होती है। हॉरिजेंटल ड्रिलिंग 44 मीटर पाइप डाल चुकी है, 44 मीटर। उसके आगे जब ड्रिलिंग की तो आगे टनल में मलबे में कुछ सरिये के टुकड़े नजर आए, मशीन सरिये को नहीं काट पाई, वो ड्रिल मशीन ड्रिल बाहर निकाल दिया, मशीन वहीं खड़ी है। अब उस पाइप के थ्रू जाके एनडीआरएफ के लोग वो जो सरिये हैं उन सरियों को काटते हैं। सरिये कटते ही मशीन आगे जानी शुरू हो जाएगी। शुरू देखिए, मेरे ख्याल से मैं अभी अंदर से बाहर आया हूँ, हो सकता है 1 से 1.5 घंटे में सरिये कट जाए। कितने सरिये के गुच्छे थे वहाँ? चार सरिये हैं। कितने कट चुके हैं अभी तक? कोई नहीं कटा जब मैं अंदर था, लेकिन अभी मेरे ख्याल से वो ज्यादा देर 1 घंटे से ज्यादा 2 पाइप 6 मीटर के, 6-6 मीटर के और डाल रहे हैं। हरपाल सिंह एट जोजिला टनल, हम लोग जोजिला टनल बना रहे हैं, मैं वहां से रेस्क्यू ऑपरेशन में आया हूँ। वो 13 किलोमीटर की टनल है, ये जैसे 4.5 किलोमीटर है। यही एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हैं कि भाई वहां पे जैसे इधर से 2 किलोमीटर या 200 मीटर में गिरा है, हम लोग 4-4 किलोमीटर अंदर है। दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट दे विल कट द स्टील एंड मशीन विल वर्क थ्रू गैस कटर मशीन। यस, कोई दिक्कत नहीं है अभी, कोई सॉइल आ रहा है लगातार इस तरह का? नहीं नहीं, वो देखिए किसी एक आदमी ने थोड़ा सा ये सलाह दे दी एनडीआरएफ के आदमी ने कि भी अंदर कंप्रेसर की हवा छोड़ दो क्योंकि अंदर गर्मी है, तो जब कंप्रेसर की हवा छोड़ी तो वो थोड़ी ज्यादा होती है कंप्रेसर की हवा, तो पाइप में थोड़ी मिट्टी है तो उससे थोड़ी डस्ट बन गई, वो डस्ट बैठ चुकी है नीचे। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई वेल्डिंग वोल्डिंग करने में, पाइप को पुश करने में, इसको गर्डर अपना स्टील को काटने में ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब मैं उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि 8 बजे तक जो टीम ने लोगों ने यहाँ पे दुआएं मांगी और मेहनत की और जो आप जैसे लोग भी यहाँ पे कम से कम 10 दिन से बैठे हैं, सब प्रेयर कर रहे हैं 41 लोगों के लिए, तो ये मतलब भगवान मेरे ख्याल हमारे साथ है। सख्ती जरूर दी उन्होंने लेकिन वो मदद भी कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर पर चल रहा है और कभी भी श्रमिकों को बाहर निकाला जा सकता है। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और इंतज़ार इस बात का है कि 41 मजदूर जो टनल के अंदर काफ़ी दिनों से फंसे हैं वो बाहर निकल कर आएँ। पंकज गैरोला जुड़ रहे हैं हमारे साथ, उनसे ज़्यादा जानकारी लेते हैं।
पंकज, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है, क्योंकि हर मिनट बस इंतजार इस बात का है कि श्रमिक टनल से बाहर आए। बिल्कुल पंकज, 12 नवंबर को सुबह 5:30 बजे घटना घटी थी और तब से 265 घंटों से अधिक समय हो गया है जो 41 मजदूर यहाँ अंदर फंसे हुए हैं। तमाम संभव प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और अब जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, जो ड्रिलिंग का काम है, इसमें वो अपने अंतिम दौर में है। आखिरी पाइप यहाँ पर बिछाया जा रहा है। जिस तरीके से भी बताया था, उनकी वहां पर जो सरिया आ गई थी उनको काट दिया गया है और फिर से यहाँ पर रेस्क्यू ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। देखिए पंकज, जो यहाँ पर ड्रिलिंग कर रही है मशीन, वो ऑगर मशीन अमेरिका की है और ये लगभग 1.5 से 2 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से काम करती है। तो आप लगा सकते हैं इसमें समय लगना लाजमी है और उम्मीद की जा रही कि जल्द से जल्द यहाँ पर ये ड्रिलिंग का काम शुरू होगा और वैसे ही जैसे ही ड्रिलिंग का काम शुरू होगा एनडीआरएफ के जवान अंदर जाकर उन मजदूरों को बाहर निकालेंगे, रेस्क्यू शुरू करेंगे, उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये इंतजार है कि कब ये सब होगा, लेकिन अब जिस तरीके से अचानक वहां पर फिर हलचलें बढ़ गई हैं, डीएम उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं, तमाम जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है वो चाक चौबंद हो गया है, एनडीआरएफ भी हरकत में आ गई। ये माना जा रहा है कि जल्द से जल्द शायद 1 या 2 घंटे में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए और जो ये मजदूर है ये बाहर निकाले जाएंगे। जी, अब पुलिस प्रशासन की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, किस तरह के इंतजाम हैं, क्योंकि इससे पहले आपसे जब बात हुई थी तो बताया गया कि एक अस्थायी हॉस्पिटल यहां बनाया गया जिसमें 41 बेड की संख्या है, अगर किसी की तबीयत ज्यादा खराब होती है तो एयरलिफ्ट की तैयारी की जाएगी, उसके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं और अस्पताल में अलर्ट मोड पर सब कुछ होगा? बिल्कुल पंकज, यहाँ पर जो सुरंग है उसकी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, पुलिस तैनात कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर जो मजदूरों के परिजन भी हैं, साथ में आसपास के ग्रामीण भी मौजूद हैं, मीडिया कर्मी भी वहाँ मौजूद है, तो रेस्क्यू के टाइम पे कोई अफरा तफरी न हो इसलिए पुलिस वहाँ पर चाक चौबंद है, उनको कड़े निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। जो एनडीआरएफ है उन्होंने भी अपनी पूरी तैयारियां की हुई है, क्योंकि उनको मॉक ड्रिल पहले से करा दी गई है, ब्रीफिंग उनकी हो चुकी है। जैसे ही ये पाइप जो है 800 मीटर का वो इस मलबे के आर पार होता है वैसे ही उनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। उसके साथ ही जो स्वास्थ्य विभाग है वो पूरी तरीके से यहाँ पर चाक चौबंद है, एम्बुलेंस वहाँ पर तैनात है और साथ ही 41 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पर तैयार किया गया है इन मजदूरों के लिए और सबसे पहले इनको बाहर निकालते हैं, इनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद इनकी स्थिति को देखकर इनको एडमिट किया जाएगा या फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हेलीकॉप्टर भी यहाँ पर तैयार की गए जिससे इनको एम्स ऋषिकेश ले जाया जा सकता है। साथ ही जितने आसपास के हॉस्पिटल है, चाहे चिन्यालीसल हॉस्पिटल हो या फिर उत्तरकाशी का जो हॉस्पिटल है, उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है और स्वास्थ्य विभाग के जितने अधिकारी कर्मचारी हैं सबकी आज की छुट्टी रद्द की गई है। पंकज, आपको बताना चाहूंगा कि आज उत्तराखंड का लोक पर्व इगास इसको कहा जाता है, ये दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है और इसको बूढ़ी दीपावली के नाम पे भी मनाया जाता है, कहीं ना कहीं इस पर्व का उत्साह और यहाँ पर बढ़ गया है। उत्साह बढ़ा है, ये भी कहा गया कि दिवाली के दिन ये मुसीबत आई थी और ग्यास के दिन ये मुसीबत टल जाएगी, लेकिन उन सबसे इतर मुख्यमंत्री उत्तरकाशी में ही ये जानकारी सामने आई, क्या वो घटना यहाँ पहुंचे हैं, घटनास्थल पर पहुंचेंगे, कोई बयान, कोई तस्वीर, कोई ऐसी जानकारी, और पहुंचेंगे तो कब तक पहुंचेंगे? क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया कोई जानकारी देगा तो उस पर विश्वास करना और लोगों को भरोसा बनता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम से ही वहां पहुंचे हुए हैं, वो कल अपने रुद्रपुर के कार्यक्रम में थे और जब उनको जानकारी मिली कि अब रेस्क्यू ऑपरेशन अपने अंतिम दौर में, तो अपने सारे कार्यक्रम जो थे वो रद्द करके वो सीधे उत्तरकाशी पहुंचे हैं। वो कल सिलचारा गए, वहां उन्होंने बातचीत की और उसके बाद वो उत्तरकाशी के मातली में ही पूरे अभियान को देख रहे हैं, वहां पर रात्रि विश्राम किया उन्होंने और वहीं से वो पूरे निगाहें बनाए हुए हैं। ये माना जा रहा है कि जब इनको बाहर निकाला जाएगा मजदूरों को, तो वो मजदूरों से चिनारी छोड़ में मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद मीडिया से ब्रीफिंग भी करेंगे, पूरी जानकारी देंगे और कहीं ना कहीं जब मुखिया वहां पे मौजूद होता है तो उत्साह अलग बड़ा होता है और वहां पर साथ ही जो पीएमओ की पूरी टीम मौजूद है, भास्कर खुलबे जो पूर्व सलाहकार थे प्रधानमंत्री के, वो वहां पर मौजूद है, जो पूरी जिनकी देखरेख में पूरी टीम यहां पर लगी हुई है, तो एक उम्मीद है कि शायद 1 या 2 घंटे के अंदर ये मजदूर बाहर निकलेंगे। जिस तरीके से अभी कुछ देर पहले वहां पर हलचल भी बढ़ी है तो ये माना जा सकता है कि उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है शासन प्रशासन ने भी, कि अगर अचानक
मजदूर बाहर आते हैं तो किस तरीके की तैयारी हो, कोई अफरा तफी ना हो, उसका भी यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है। एनडीआरएफ को हालांकि इस बात के लिए ट्रेन किया जाता है इस काम के लिए, लेकिन एक अलग तरह की चुनौती और 41 लोगों को बचाना और इस ऑपरेशन को पूरा कंडक्ट करना कितना चुनौतीपूर्ण है और किस तरह की एनडीआरएफ की तैयारियां हैं, क्योंकि उन्हीं के कंधों पर सारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल पंकज, यहाँ पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ उत्तराखंड की जो फोर्स है वो भी यहाँ पर मौजूद है। दोनों यहाँ पर लगातार जब से यहाँ पर ये घटना घटी है तब से मौजूद हैं, और जब से यहाँ पर ड्रिलिंग शुरू हुई है और जब से पाइप अंदर डालने शुरू हुए थे तो तब से ही उनको तैयार कर दिया गया था। उनको उनके वीडियो भी सामने आए थे किस तरीके से वो पाइप के अंदर जाएंगे, उसके बाद उन मजदूरों को स्ट्रेचर के से बाहर निकालेंगे। तमाम उनकी जो तैयारियां वो पूरी हो चुकी है, रात को ही उनकी ब्रीफिंग पूरी हो चुकी है। तो अब उम्मीद है जैसे ही ये पाइप आर पार होता है तो एनडीआरएफ तुरंत इन मजदूरों को बाहर निकालेगा। पूरी तरीके से एनडीआरएफ यहाँ पे सतर्क है, उत्तराखंड का एसडीआरएफ भी यहाँ पे मौजूद है, तो दोनों फोर्स इनको बाहर निकालेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। जी अब पंकज, थोड़ा सा ये बता पाएंगे कि जो अंदर तस्वीर ली गई या जो अंदर बातचीत हो रही है वहां पर किस तरह का मौसम है, किस कैसे वो लोग हैं, वहां पर लाइट की व्यवस्था है क्या, वहां पर कोई फोन की व्यवस्था है क्या, वॉकी टॉकी से किस चीज से बातचीत हो रही है, अब कैसी वो तस्वीर दिखाई दे रही है, जो कि हमारे सामने जो तस्वीर आ रही है बहुत ब्लर टाइप की हमें देखने को मिल रही है और समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो लोग बता रहे होंगे और समझा पा रहे होंगे। बिल्कुल पंकज, अंदर जो है वहां पर इनसे लगातार बातचीत की जा रही है, कैमरा वहां मौजूद है, माइक्रोफोन उनके साथ मौजूद है और कम्युनिकेशन उनके साथ लगातार किया जा रहा है। जब से वहां पर 6 इंच का जो पाइप था वो पहुंचा है तब से काफी सारी सुविधाएं उनको मिली है। कल की अगर बात करें तो कल उनको खाने का सामान भी उनको पहुंचा है, पहले उनको ड्राई फ्रूट्स या चने उनको पहुंच रहे थे, लेकिन कल से उनको खाना भी मिल रहा है, उनको कपड़े दिए गए हैं, उनको टूथपेस्ट ब्रश दिया गया है, उनके मोबाइल के चार्जर उन तक पहुंचे हैं। लगातार यहाँ पर एनडीआरएफ उनसे बात कर रही है, अधिकारी उनसे बात कर रहे हैं, उनके मनोबल यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, जो मनोचिकित्सक हैं वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं, और जब से उनको ये जानकारी मिले कि जल्द ये सब कुछ हो सकता है उनके अंदर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तो ये उम्मीद है, उनको भी उम्मीद है, साथ में जो परिजन है वो भी अब तख्ती लगाए बैठे हैं कि कब उनके परिजन बाहर आएंगे और कब ये रेस्क्यूपेशन सफल होगा। चलिए नजर बनाए रखिएगा पंकज, फिर आपके पास अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।